अच्छी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो, उसकी आँख में आंसू आए तो बादल गिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं, जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है, तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। तेरे पास फोन आ गया, मुझे साथी ने दिया है। ले लो प्रशांत। साथी का फोन है। हेलो। अरे कल कहाँ थी तुम? घर पर। मैंने फोन किया था तो उठाया क्यों नहीं तुमने? अरे हाँ, वो मैं सो गई थी। चलो कोई बात। पर मैं उठ गई थी जब तुम्हारा फोन बजा था, पर तुमने फोन बंद कर दिया। अच्छा साथी ये बता, मैं अभी क्या कर रही हूँ? क्या कर रही हो? कुछ नहीं। यहाँ भी सब लोग खरीदारी के लिए गए हुए, मैं बिल्कुल अकेला हूँ घर पे। तुम भी अकेली हो क्या? मेरे साथ तो माँ है, लक्ष्मी दीदी है, भाभी है, मैं उनको आपकी बात सुना रही हूँ। अरे तुलसी ऐसे बात नहीं करते, जब वो कह रहे कि वो अकेले है तो तुम्हें भी अकेले में जाकर बात करना चाहिए ना। पर फोन में अकेले में बात कैसे करूँ, जब वो यहाँ आएंगे तब मैं उनसे अकेले में बात कर सकती हूँ ना। हे भगवान, इस लड़की को समझाना और दीवार में सिर पीटना दोनों एक बराबर है। बुआ आपने एक गुड़िया कहाँ से ली? अरे लीची ये तो मेरी गुड़िया है, मुझे दे। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। माँ देखो ना लीची कैसे कर। लीची नहीं देता। लीची मेरी गुड़िया दे। लक्ष्मी बेटा कुछ समझाओ इस लड़की को, कुछ ही दिन बचे हैं इसकी शादी को और अभी तक इसका बचपना नहीं गया, सारा दिन उद्धम मचाती रहती है बस। अरे चाची जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं उसे सिखा दूंगी। जैसे वो सीख जाएंगी, भगवान ही मालिक है इनका। जी हाँ मेरी बात हो गई उनसे, आप पैसे ले लेना उनसे, ठीक है? हाँ हाँ आप चले जाइएगा, वो दे देंगे आपको पैसे। भाई अब तो भाई साहब ने दस्तखत भी कर दिए होंगे, शेखर पेपर लेकर आता ही होगा। अरे करना तो पड़ेगा ही, हाँ नहीं तो कहाँ से आएंगे पैसे और कैसे होगी बेटी की शादी। बस एक बार वो पेपर गुप्ता के पास पहुंच जाए फिर देखना, उन्हें पाई पाई के लिए मोहताज ना किया ना तो गुप्ता का नाम नहीं है। जैसे जो धीरे धीरे खून चूसता ना वैसे गुप्ता धन चूसता है। अरे हमका तो उस दिन का इंतजार है जब उनका परिवार एक एक कौड़ी कौड़ी के लिए तरसेगा, तब जाके हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। वहाँ 6 बीघा जमीन पर घुमान है उनको। हा? अरे शेखर आओ बैठो, तुम्हारी बात कर रहे थे। जी भाई शेखर के भी चाय ले आओ। हाँ अब रहने दीजिए चाची जी। और दस्तखत हो गए क्या? वो अब पेपर नहीं लाए? चलो कोई बात नहीं बाद में ले आना। क्या बात है शेखर चुप क्यों? घर पर सब ठीक तो है ना? चाचा जी वो बाबूजी ने कागजात फाड़ दिए। अरे मती मारी गई है काउन की। देखा हम कह रहे थे ना कि सब करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपने कहा कि नहीं बड़ा भाई है, देख लिया एहसान मानने के बदले उल्टा कागज फाड़ दिया। अरे ऐसे ही रहा तो कौन करेगा वो पगली से शादी? अब तुमरा भी तो बेटा है, ऐसे ही रहा तो तुमरे दरवाजे पर कौन आएगा अगर तुलसी की शादी नहीं हुई तो? चाची जी मैं तो समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन उनकी जिद पहाड़ से भी ऊंची है। अरे वो समझने को तैयार ही नहीं। अगर भैया ब्याज पे पैसा नहीं लेना चाहते तो मैं गुप्ता को मना कर दूंगा, पर पैसे आएंगे कहाँ से? अब वही जाने कहाँ से आएंगे कैसे आएंगे। वैसे एक रास्ता है मेरे पास। हार गई अब।
मेरी बात, अब मेरे साथ। अच्छा सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। नहीं, पहले मेरी बारी है, उसके बाद। पहले मेरी बात सुन, फिर मैं खेलूंगी। ये बात पक्का खेलेंगी ना? हाँ बाबा। तुलसी, तू अपने होने वाले पति को साथी कहती है? हाँ। और तुम भी? हाँ। तुलसी, अपने होने वाले पति को तुम नहीं कहना चाहिए और साथी भी नहीं, आप कह के बुलाना चाहिए। क्यों? ऐसे ही रिवाज है, सदियों से चला आ रहा है। सभी औरतें अपने पति को आप कह के बुलाती है। पता है, पति परमेश्वर होते हैं। पर लक्ष्मी दीदी, साथी ने तो कभी नहीं कहा कि आप बोलो। अरे पगली, कोई थोड़ी ना कहेगा कि मुझे आप कहकर बुलाओ। ये हमें खुद समझना चाहिए। जैसे हम बड़ों को आप कहते हैं, वैसे पति को भी आप कहना चाहिए। अच्छा अच्छा, तुझे पता है कि फोन पे कैसे बात करते हैं? कैसे कैसे? मैं बताती हूँ। जब उनका फोन आए ना, सबसे पहले नमस्ते करना चाहिए, तो वो भी नमस्ते करेंगे। फिर उनसे प्यार से पूछना, आपने खाना खाया? फिर वो कहेंगे हाँ खाया। फिर उनसे पूछना, आपने क्या क्या खाया? फिर वो बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या खाया। फिर उनकी तबीयत के बारे में पूछना, फिर उनके घर वालों के बारे। लक्ष्मी दीदी, आपने तो अपनी बात भी पूरी नहीं की और उसका फोन आ गया। उसका नहीं, उनका। हाँ, लेकिन अब क्या करे? क्या करेगी? फोन उठा और सुन, उसे मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जैसे समझाए वैसे ही बात करना, ठीक है? हाँ। नमस्ते। नमस्ते। आपने खाना खाया? नहीं, अभी नहीं खाया मैंने। खाने में क्या क्या खाया? अरे अभी तो बोला मैंने खाना नहीं खाया। कैसे बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? साथी, तुमने सब बोला दिया। लो, बोल गई। देखो, फिर से शुरू करना पड़ेगा। मैं शुरू से बोलती हूँ तो सब याद आ जाएगा। नमस्ते। क्या क्या? तुलसी, ऐसे नहीं बात करते। अरे लक्ष्मी दीदी, आप ही ने तो बोला ऐसे बात करनी है। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि जो मैं बोल रही हूँ उसे तोते की तरह रट दो। ये ले, अभी अच्छे से बात करना। मैं वैसे ही बात करूंगी जैसे करती हूँ। हेलो साथी। हाँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसी बातें कर रही थी? अरे वो लक्ष्मी दीदी ने सिखाया था। तुम वो सब छोड़ो ना, तुम ये बताओ तुम समोसे और जलेबी लेके कब आओगे? जल्दी लेकर आऊंगा। अच्छा साथी, तुम्हें पता है आज मैंने कोयल की आवाज निकालना सीखा। मैं तुम्हें सुनाऊं? हाँ हाँ सुनाओ। कू कू कू। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? माँ, साड़ियाँ तो बड़ी अच्छी अच्छी हैं। हाँ, अच्छी तो होंगी, इतनी महंगी जो है। बात तो सही है माँ, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ लेने की क्या जरूरत थी? उस लड़की को इनकी कीमत की कदर होगी? बेटा, तुम लोग तो उसके बारे में ऐसे बात करते हो जैसे वो इंसान ही नहीं है। अच्छा ठीक है कि उसमें बचपना है, लेकिन बेवकूफ नहीं है वो। और इन कपड़े और गहनों की वजह से तुम्हारे घर का मान सम्मान बढ़ेगा विनय के ससुराल वालों के नजर। आखिर उन्हें भी तो लगे कि उनकी बेटी किसी छोटे घर में नहीं जा रही। बिल्कुल सही कहा अम्मा जी ने, अब तो हमारी इज्जत छोटे बहू की मई के में ही बने। दादी, दादी। हाँ, लेकिन आज मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? हमारी बिटिया क्यों नाराज है अपनी दादी से? आप मुझे छोटी चाची के घर कभी नहीं ले गए। अले बाप ले बाप ले, इस बार पक्का लेके चलूंगी। अब तो नाराज नहीं है ना? अच्छा दादी, आप मेरे लिए कुछ लाए हो? क्यों नहीं लाती? अपनी रानी बिटिया के लिए ढेर सारे कपड़े लेके आई हूँ। तो दिखाएं। अरे अभी अभी आई है, हाथ मुँह धो ले, आराम कर ले, फिर ले लेना। आराम थोड़ी ना करना, कोई पैदल थोड़ी ना आई हूँ, कार से आई हूँ, लेकिन आप बाद में ही देना। अब मुझे खेलना है। जा। बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। अच्छा हुआ बहू कि तुम आ गई, तुमसे एक राय लेना चाह रही थी। जी अम्मा जी। मैं सोच रही हूँ खानदानी जेवर चढ़ावे में भेज दूँ। क्या अम्मा जी, आप
आप खानदानी जेवर ऐसे कैसे दे सकते हैं? तुम लोग कैसी बात कर रही हो बहू? तुम लोगों की बातचीत से तो ऐसा लग रहा है जैसे छोटी बहू के मायके में रह जाएगा जेवर। अरे साथ लेके घर ही आएगी, इसी घर में आएगी वो। अम्मा जी अगर ऐसी ही बात है तो आप हमारी शादी में चढ़ावे में भी तो भेज सकती थी ना खानदानी जेवर। तुम लोग से तो राय लेने आओ तो मुसीबत, ना लू तो मुसीबत। राय लेने आती हूँ तो तुम लोग अपना लेके बैठ जाती, और ना लू तो बोलती हो कि हमसे तो घर में पूछा ही नहीं जाता। छोटे बेटे और छोटी बहू के प्यार में ना अम्मा जी अंधी हो गई है। इनको कुछ समझ में नहीं आता क्या गलत है क्या सही। माँ जी एक एक करके शादी का दिन निकलता जा रहा है, कुछ तैयारी हुई नहीं अभी तक। हाँ बहू कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा, जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता कुछ कर भी तो नहीं सकते। अरे भाभी जी आप काहे फिक्र करती हैं, सब हो जाएगा। अरे अभी आपका देवर जिंदा है और मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं, आखिर चाचा हूँ मैं तुलसी का। लेकिन देवर जी हमें किसी से भी ब्याज पे पैसे नहीं लेने हैं। ब्याज की बात कौन कर रहा है भाभी, और भाई साहब को ब्याज पे पैसे नहीं चाहिए ना तो ना ले, और वैसे मैंने गुप्ता जी को मना कर दिया। तो फिर पैसे आएंगे कहाँ से? भाभी जी जहाँ चाह वहीं रहा, एक दूसरा रास्ता है मेरे पास। अच्छा कौन सा रास्ता निकाला है आपने, जरा हम भी तो सुने। मुझे ना सीमेंट के कहीं से पैसे आने थे, वो मैं अपने लिए ना रखे आप लोगों को दे दूंगा, 2.5 लाख रुपए होंगे। आप हमें पैसे क्यों देंगे? भाभी जी अपने ही तो अपनों के काम आते हैं, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद कर देना। भला हम आपके किस काम आ सकते हैं देवर जी? भाभी जी वो ऐसे कि भाई साहब ने जो जमीन मंदिर को दान दी है ना, वो आप मुझे देने के लिए उन्हें मना लें। ये आप क्या कह रहे हैं देवर जी, वो मंदिर की जमीन हम आपको कैसे दे सकते हैं? भाभी जी वो जमीन अभी भी आप ही के नाम पर है, ट्रांसफर नहीं हुई है। वो बात ठीक है देवर जी, लेकिन वो जमीन हमने दान में दे दी है और उसे हम वापस नहीं ले सकते। अरे दीदी उका कहते हैं पहले आत्मा बाद में परमात्मा, अरे अपनी बेटी की शादी है हम पहले उसको देखेंगे कि दान दक्षिणा के बारे में सोचेंगे, आप ही बताइए। अरे माँ चाची ठीक ही तो कह रही है, देखिए ना लड़की घर में कुंवारी बैठी रहे और हम दान दक्षिणा करते रहे, ये क्या कहीं शोभा देता है माँ? पर बेटा वो जमीन तेरे बाबूजी ने भगवान के नाम पे दान पे दे दी है, उसे हम वापस कैसे ले सकते हैं? पाप लगेगा और फिर लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे माँ जी? लड़की की शादी पैसों की वजह से नहीं हो पा रही तो आ रहे हैं क्या लोग? जब लोग हमारी फिक्र नहीं करते तो हम क्यों लोगों की फिक्र करें? और वैसे इतनी महंगी जमीन कोई दान में देता है क्या? उससे तो अच्छा है कि वो जमीन आप चाचा जी को ही दे दीजिए, सारा मसला ही सुलझ जाएगा। भाभी जी सुनहरा मौका है और ऐसे मौके बार बार नहीं आते, सोच लीजिए, बोलो तो अभी पैसे मंगवा लेता हूँ। बस करो रघुनाथ बहुत हो गया। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। अरे मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ जो कुछ पैसों के लिए भगवान को बेच देता है। मैंने तन मन से ये जमीन ईश्वर को दी है और चंद पैसों के लिए मैं उसको वापस लेने वाला नहीं हूँ। तुलसी की माँ, ये लो तुलसी की माँ, पैसे का इंतजाम हो गया है, कल से तुम अपनी खरीदारी शुरू करो। अब ना तो हमें कल से किसी का एहसान लेने की जरूरत है और ना हाथ फैलाने की। ये पैसे कहाँ से आए जी? अरे एक ही तो है तुलसी की माँ, सब उसी की माया है। उसमें आस्था रखो, वो किसी को निराश नहीं होने देगा। और तुम्हें याद है मैं कहा करता था कि तुलसी पर ईश्वर की नजर है, वही उसकी नैया पार कराएगा। अब बाबूजी लेकिन इतने सारे पैसे कहीं से तो आए होंगे ना, भगवान थोड़ी ना देने आ गए। ठीक कह रहे हो बेटा, भगवान खुद नहीं करते, किसी दूसरे से करवाते, और मेरे पास भी किसी दूसरे को भेजा। ये सब मास्टर जी की वजह से हुआ है। मास्टर जी ने? उन्होंने इतने पैसे यूं ही दिला दिए? नहीं, मैंने एक खेत के कागज रखे हैं उनके पास।
आखिर आपने अपने मन की कर ही ली ना। वाकई इतने सारे पैसे को ऐसे दे देगा क्या? ऐसे ही दिया है भाई, वो तो केदार भाई ने जबरदस्ती जमीन के कागजात रखवा दिए उनके मना करने के बावजूद। और वैसे भी अगर वो नहीं देते तो कोई और दे देता। अरे केदार भाई की इतनी इज्जत है समाज में, इनको भला कोई मना कर सकता है? हाँ तुलसी की माँ, मास्टर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे वो तो इतने भले आदमी हैं, मुझे 5 लाख रुपया दे रहे थे, पर मैंने कहा मेरा 3 लाख से ही काम चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो इन पैसों का ब्याज भी नहीं ले रहे। अरे मास्टर जी आप पहेलियां बुझाना छोड़िए, ये बताइए वो महानसदी है कौन? सेठ गोवर्धन दास। गोवर्धन दास? पर वो तो किसी को पैसे देते नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, वो हर किसी को पैसा नहीं देते, वो आदमी देखकर पैसा देते हैं। अरे ये तो मैं उनके बेटे को पढ़ाया करता था, इसलिए वो मुझे बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, और मैं केदार भाई को, इसलिए काम बन गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन पैसों के ब्याज नहीं देने पड़ेंगे। बैठिए ना मास्टर जी। चाचा चाची आप भी बैठिए, मैं हलवा बना के लेके आती हूँ। हाँ तुम लोग मास्टर जी को भी दो, मैं बाकी के पैसे अंदर रख के आता हूँ। अंधे हो क्या तुम लोग? तुम्हें दिखाई देता मैं यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ? तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता हम लोग यहाँ खेल रहे हैं? पढ़ाई तो कमरे में भी हो सकती है ना, लेकिन खेलने के लिए मैदान चाहिए, है ना लीजी, है ना गोलू? हाँ मेरी मर्जी, मैं कहीं पे भी पढ़ूं, हमारा मन, हम कहीं भी खेले। नकलचिक बंदर, घोड़ी जैसी बड़ी हो गई है, उछल कूद के अलावा कुछ आता है तुझे? आता है, बहुत कुछ आता है। ठेंगा आता है। अभी तेरे से मैं एक सवाल पूछूंगी ना तो तेरा मुंह बन जाएगा, मैं भी तुमसे एक सवाल पूछूंगी ना तुम्हारा भी मुंह बन जाएगा। सिर्फ बकबक करना जानती हो, जरा बताओ कि चेरापूंजी किस राज्य में है? पहले तुम ये बताओ कौन सी चिड़िया चींची करती है, बताओ? नहीं पता। तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा जरा ये बताओ कि तीतलागढ़ कहाँ की राजधानी है? पहले तुम ये बताओ, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, तीतर के दो ऊपर तीतर, तीतर के दो नीचे तीतर, बोलो कितने तीतर? बोलो बोलो। नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। अच्छा अब तुम ये बताओ कि मोहम्मद बिन तुगलक किस देश का सुल्तान था? पहले तुम ये बताओ कौन से पेड़ पर फल पहले आते हैं, मोजर बाद में आते? अब बोलो बोलो, अब बताओ, बोलो, बोलो, बोलो। नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। है तुझे मैं अभी बताता। देखो तुम लीची को कुछ मत करना, छोड़ मेरा हाथ। नहीं तुम लीची को मारने क्यों जा रही थी? कुछ का कुछ बोल के जा। नाना पापा भागो, तुलसी ने मुझे मारा। देखा तू ये मजाल, हमारी बिटिया पर हाथ उठाएगी? हाँ आने दो ये बारू जाहिल को, छोड़ूंगी नहीं। हमारी बिटिया पर हाथ उठाएगी, कलमुई का हाथ तोड़ के रख दूंगी। हाँ अरे इसमें इसका कोई दोष नहीं है, सारा दोष इसके माँ बाप का है, कुछ सिखाया नहीं। जब देखो गांव गांव खेत खेत घूमती रहती है। अरे मैं कहता हूँ एक दिन भाई साहब का नाक कटवाएगी, बड़ा घमंड है ना इस पर। मेरी बिटिया, तुलसी को समझाओ ना माँ, अब हमारी तो वो सुनती नहीं है, अजीब लड़की है, बिना कुछ उल्टा पुल्टा किए बना उसका एक दिन नहीं गुजरता। आज उसने नैना को मारा। अरे कोई ऐसा दिन गया आज तक जहां उसकी कोई शिकायत नहीं हो? क्या करूं बेटा, सारा दिन समझाती रहती हूँ उसे, पर वो मेरी कोई बात माने तब ना। ऐसे नहीं सुधरेगी माँ जी, थोड़ा डांटना टपटना पड़ेगा, थोड़ा कड़ाई से पेश आना पड़ेगा, तब इन्हें अक्कल आएगी। बैठो बेटा। हाँ बहू बैठो। बेटा तुम तो शहर से आ रहे हो ना? हाँ। अच्छा वो हरी सोनार के दुकान की तरफ नजर पड़ी थी? हाँ माँ बताइए क्या काम है? बेटा ये गहने साफ करवाने,
देखो ना इनकी चमक कैसी फीकी पड़ गई। साफ हो जाएंगे तो फिर से नए हो जाएंगे। बाप रे बाप अम्मा जी, इतना जेवर तो हमने आज तक नहीं देखा। किसके है? किसके होंगे बहू, खुद के है। ये गहने मेरी सासू माँ ने मुझे चढ़ावे में दिए थे, और अब मैं छोटी बहू को देना चाहती हूँ। देख तो बेटा इसका वजन कितना होगा। माँ कम से कम ये 250-300 ग्राम तो होंगे। इनको भी साफ करवाना है क्या? नहीं बेटा, इन्हें तोड़वा के नए डिजाइन का बनवाना है छोटी बहू के हिसाब से। अम्मा जी ये भी पुश्तैनी जेवर है? नहीं बहू, ये मेरी माँ ने मुझे दिए थे, और अब मैं छोटी बहू को देना चाहती हूँ। पर अम्मा जी आपकी माँ ने ये जेवर आपको दिए था ना, तो इस जेवर पर मेरा और मंगला दीदी का भी तो हक बनता है ना। लेकिन बहू अजीत के बाबूजी ने तुम लोगों के लिए जेवर बनवाए थे। पर अम्मा जी वो तो बहुत थोड़ा था। कुछ भी हो बहू, लेकिन मेरी इच्छा है कि ये गहने मैं छोटी बहू को दूं। माँ मुझे लगता है कि इन पुश्तैनी जेवरों के बारे में एक बार भैया से बात करनी चाहिए, उनकी राय लेना भी जरूरी है ना। माँ क्या हुआ? बड़े भैया ने एक मजदूर को मार दिया है, उनके हाथ में भी चोट आई। लेकिन हाकिम है कहाँ? वो अभी भी घर पर आए, अपने कमरे में।